सेना से लड़ते लड़ते होलकर नरेश जसवंत राव भागकर भरतपुर आ गए थे। जाट राजा रणजीत सिंह ने उन्हें वचन दिया था कि आपको बचने के लिए हम सब कुछ कुर्बान कर देंगे। अंग्रेजी सेना के कमांडर इन चीफ लॉर्ड लेक ने भरतपुर के जाट राजा रणजीत सिंह को खबर भेजी कि या तो वो जसवंत राव होलकर को अंग्रेजों के हवाले कर दें, अन्यथा वो खुद को मौत के हवाले समझें। ये धमकी जाट राजा के स्वभाव के सर्वथा खिलाफ थी। जाट राजा अपनी आन बान और शान के लिए मशहूर रहे हैं। जाट राजा रणजीत सिंह का खून खौल उठा और उन्होंने लॉर्ड लेक को संदेश भिजवाया कि वो अपने हौसले आजमा लें, हमने लड़ना सीखा है, झुकना नहीं। अंग्रेजी सेना के कमांडर लॉर्ड लेक को ये बहुत बुरा लगा और उसने तत्काल भारी सेना भेजकर भरतपुर पर आक्रमण कर दिया। जाट सेनाएं निर्भीकता से डटी रहीं, अंग्रेजी सेना तोप से गोले उगलती जा रही थीं और वो गोले भरतपुर की मिट्टी के उस किले के पेट में समाते जा रहे थे। तोप के गोले के घमासान हमले के बाद भी जब भरतपुर का किला ज्यों का त्यों डटा रहा तो अंग्रेजी सेना में आश्चर्य और सनसनी फैल गई। लॉर्ड लेक स्वयं विस्मित होकर इस किले की अद्भुत क्षमता को देखते और आंकते रहे। संधि का संदेश फिर दोहराया गया और राजा रणजीत सिंह ने अंग्रेजी सेना को एक बार फिर ललकार दिया। अंग्रेजों की फौज को लगातार रसद और गोला बारूद आते जा रहे थे और वो अपना आक्रमण निरंतर जारी रख रहे थे, परंतु वाहरे भरतपुर के किले और जाट सेनाएं जो अडिग होकर अंग्रेजों के हमलों को झेलती रहीं और मुस्कुराती रहीं। इतिहासकारों का कहना है कि लॉर्ड लेक के नेतृत्व में अंग्रेजी सेनाओं ने 13 बार इस किले पर हमला किया और हमेशा उसे मुंह की खानी पड़ी। अंग्रेजी सेनाओं को वापस लौटना पड़ा। कैसी लगी आपको हमारी हिस्ट्री और मिस्ट्री की एक और नई पेशकश, आप हमें जरूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको प्रतिदिन नए नए अपडेट्स मिलते रहें। कल तक के लिए मुझे इजाजत दें, धन्यवाद।